हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट की, एक ऐसा कंटेस्टेंट जिन्होंने अपनी पर्सनल ट्रेजेडीज को भुलाकर इस मंच पर वो आए और ऐसे गाते हैं जो अपने लिए गाते हैं और अपने लिए गाते हैं इसीलिए ऊपर वाले की हम तक बात पहुंचाते हैं। प्लीज़ वेलकम द वेरी टैलेंटेड मुश्ताक। वेलकम मुश्ताक। जैसा कि मैंने कहा, आप अपने बहुत इमोशनल हैं एक्चुअली, और आप वो सब भुलाकर, मेरे ख्याल से वो सब समेट कर शायद अपनी संगीत के ज़रिए बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैम, वैसे तो मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं गा बजा सकूँ, क्योंकि मैं जब मैं जयपुर से बॉम्बे ऑडिशन के लिए आया था, मेरे जिस भाई का इंतकाल हो गया है वही मुझे छोड़ने आया था। और बहुत खुश था मैं यहाँ आया हूँ, और उसकी खुशी हमारी खुशी अब तो। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अल्लाह का, बुज़ुर्गों का कलाम गा रहे हैं, ये मेरी खुशनसीबी है, और उससे मुझे रूहानी सुकून मिलता है, और वही मुझे बस ताकत देता है इस गम को भुलाने की। क्या बात है। वो बदनसीब है जिन्हें गम नागवार है, वो बदनसीब हैं जिन्हें गम नागवार है, ये तो दलील रहमत परवरदिगार है, बस अल्लाह की मर्ज़ी है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कहीं आपने मुश्ताक। ये सिर्फ 13 हफ्तों की बात नहीं है, हम सब एक परिवार हैं, उसके बाद भी हम आपका मतलब साथ देंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है। श्रीनगर के ख्वाजा आए, श्रीनगर के ख्वाजा आए।
क्या बात है मुश्ताक, बिल्कुल ठहराव के साथ और शब्दों का लुत्फ उठा के आपने ये कव्वाली पेश की, तो जानेंगे गुरुजनों से कैसा लगा। बहुत अच्छा निभाया, बोलों को बिगड़ने नहीं दिया, बोलों के ऊपर जो गायकी को नहीं आने दिया आपने, और जहाँ गायकी की जरूरत थी वहाँ आपने डाल दी। बहुत अच्छा गाया, इसी तरह गाते रहो बस। पीर और मुरीद का कैसा रिलेशनशिप है, इसमें आशिक और मशूक का कैसा रिलेशनशिप है, जो हकीकी इश्क से वाबस्ता लोग हैं, उसकी बहुत खूबसूरत पोएट्री है। क्योंकि शायर और ऋषि में, पोएट और सूफी में ये फ़र्क होता है, पोएट तसव्वुर करता है, इमेजिन करता है, सूफी जिस स्टेज पे बैठा होता है उसे इल्हाम होता है। बहुत अच्छा लगा, आपने ख्वाजा साहब का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। करम नवाज। इन बहुत बड़े संतों की वाणी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम मुश्ताक के बहुत ही अच्छी पेशकश के बाद ख़त्म होने को आ रहा है, क्योंकि अब 6 सिंगर्स ऑलरेडी अपने गाने पेश कर चुके हैं, और अब वो क्षण है मुश्ताक जो हम सब एक्चुअली अच्छा नहीं लगता हमें, क्योंकि उनमें से 2 सिंगर्स को घोषित किया जाएगा सुरक्षित, जो पहुंचेंगे सुरक्षा सेतु पर और सीधे क्वालिफाई हो जाएंगे अगले हफ्ते के लिए, और बाकी के जो 4 हैं वो फिर से परफॉर्म करेंगे बुधवार की शाम एक बार फिर। सो